अजमेर डेयरी द्वारा आगामी अक्टूबर मार्च के अंत तक यानी दीपावली के पश्चात भी पशुपालकों को 700 रुपये किलो फेड के हिसाब से दूध के भाव देंगे। और ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पशुपालक गर्मियों के समय में महंगा पानी, महंगा चारा, महंगे कुट्टी लाके पशुओं को पाला था, उसमें उन पर आर्थिक बोझ पड़ा, तो महंगाई के दौर से वो निकल गए। 3-4 महीने हो गए और 2 महीने और देंगे। इन 5-6 महीने में उनके जो है दूध का जो भी घाटा आया 4 महीने, वो वापस भरपाई हो जाएगा। इसलिए हमने भाव बढ़ाया। नया प्लांट जो हमारा 1 अप्रैल या 1 मार्च तक बनकर के हमारे सामने नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। और नया प्लांट बनने के पश्चात हम गाय का दूध अलग लेंगे, भैंस का दूध अलग लेंगे। गाय के दूध के 46 रुपये लीटर रखेंगे, गाय के घी के 600 रुपये किलो रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारे प्लांट बनाने के लिए आर्थिक समस्या आ रही है, उस हेतु जो हम 30 करोड़ रुपए का हिस्सा राशि डेवलप करेंगे, 35 करोड़ NCDC से और लोन लेंगे और 10-12-15 करोड़ हमारे संघ से देंगे। भारत सरकार से हमको 35 करोड़ का अनुदान NCDC के माध्यम से नहीं मिला है, तो 35 करोड़ रुपए अजमेर डेयरी ने अपने खुद के संसाधनों से इकट्ठे करके NDDB के पास भेजे हैं। हमें उम्मीद है कि उनका पेमेंट हम पूरा कर रहे हैं। कल हमारी फाइनल मीटिंग है गुजरात में आनंद में, प्रबंध संचालक जी हम दोनों उपस्थित रहेंगे, NDDB के भी टॉप ऑफिसर्स रहेंगे। प्लांट में क्या कमियां हैं, बनाने में कितनी देरी है, कहां तक वो बनाया है, पूरी लेटेस्ट अप टू डेट पे मीटिंग होनी है। और आगे और क्या इसमें जो हम सुझाव देंगे वो जुड़वाना चाह रहे हैं। प्लांट की खासियत ये रही है कि प्लांट में सोलर एनर्जी के दोनों पार्ट लगवा रहे हम, जिसकी स्वीकृति दे चुका है बोर्ड। कल बोर्ड की बैठक थी 14 तारीख, उसमें ये निर्णय सारे जो मैं बोल रहा हूँ हुए हैं। तो उसमें ये किया कि गर्म पानी करने का 4.5 करोड़ का प्लांट सोलर का होगा और पावर जनरेशन का भी 4.5 करोड़ का प्लांट होगा। तो उसके हमारी पावर यूज़ करेंगे, बचेगी हम उसको इनके पावर ग्रिड को देंगे, पर बचेगी तो नहीं, हमारे काम आएगी। उतनी पावर हम कम राजस्थान सरकार RECB से लेंगे। इस हेतु जो है हमारे सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कोई कमी नहीं। दूध भी हमारा मौसम आ रहा है, हम दूध डेयरियां अभी 4-5 महीने नहीं खोल रहे, नहीं बिल्कुल बोर्ड में निर्णय ले लिया नहीं करेंगे प्रारंभ, क्योंकि पहले वाला दूध जब तक नया प्लांट शुरू नहीं होगा, दूध बढ़ जाएगा तो उसको हम कहाँ डालेंगे, उसका क्या उपयोग करेंगे। इसलिए जब नया प्लांट बनेगा उस दिन प्रातःकाल से 100-200 समितियाँ जो भी खोलना चाहेंगे जिले में किसान, उनको सबको अनुमति देंगे। और आने वाले निकट भविष्य में अजमेर डेनमार्क बन जाएगा या डेनमार्क अजमेर बन जाएगा, जैसा भी हो डेनमार्क से भी अजमेर जिला सुपर होगा। पशुपालन में भी डेनमार्क हिट है तो हम भी सुपर हो जाएंगे अजमेर जिला, और उनके प्रोडक्ट है वो भी शानदार है, उनकी मशीनरी भी शानदार है। तो हमारे इस नए प्लांट में जर्मनी की मशीनें हैं, जापान की मशीनें हैं, फ्रांस से आई हुई मशीनें हैं, डेनमार्क की मशीनें हैं, वो सारी मशीनें 4 महीने में चालू हो जाएगी, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। मुझे और मेरे MD साहब को ज़िंदगी में महान खुशी होगी कि हमारे प्लांट को देखने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों के लोग आएंगे और इस प्लांट की तारीफ़ करके जाएंगे कि हमने सही काम किया है, तो तारीफ मिलेगी ऐसा हमें पूरा भरोसा है। आप लोगों का सबका सहयोग मिला, धन्यवाद। उद्घाटन हमारा प्लांट का माननीय मुख्यमंत्री जी और सोनिया जी करेंगे, बाकी मंत्री सचिन जी जितने भी हैं वो तो बुलाएंगे सबको। साधारण सभा हमारी आने वाली 30 तारीख को हो रही है, जो साल में एक बार दूध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष भाग लेते हैं। साल भर के बजट पर चर्चा होती है और इस नए प्लांट के निर्माण में भी जो अर्थव्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है उसकी वो सहमति देंगे, और हिस्सा राशि जो हमारी 50 करोड़ से 100 करोड़ बढ़ा रहे हैं उसकी भी वो सहमति देंगे।